भर में ईंधन के दामों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने हाल में ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। सरकार के इस फैसले ने आम लोगों को भले ही राहत दी हो, लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स को नाराज कर दिया है, जिसके चलते डीलर्स एसोसिएशन ने 31 मई को सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध करने का ऐलान किया है। पेट्रोलियम डीलर्स ने 31 मई यानी मंगलवार को सरकारी तेल कंपनियों से डीजल पेट्रोल नहीं खरीदने का निर्णय लिया है। पेट्रोल पंप चलाने वालों का कहना है कि अचानक दामों में कटौती कर देने से उन्हें नुकसान हुआ है। वहीं कुछ शहरों में डीलर्स ने मंगलवार को डीजल पेट्रोल नहीं। आपको बता दें कि पेट्रोलियम डीलर सरकार से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में अचानक कटौती करने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार ने जैसे ही ड्यूटी कम की, डीजल और पेट्रोल दोनों खुदरा कीमत के एक झटके में कम हो गई। डीलर्स का कहना है कि उन्होंने एक दिन पहले अधिक कीमत पर डीजल और पेट्रोल का स्टॉक खरीदा था। ड्यूटी में कमी के बाद उन्हें कम भाव में बेचना पड़ गया। इसके अलावा डीलर्स ये भी कह रहे हैं कि साल 2017 के बाद मार्जिन में कोई बदलाव नहीं किया गया, इससे भी उन्हें नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान और हरियाणा की तरह महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के डीलर्स इन मांगों को लेकर मंगलवार को डीजल पेट्रोल ना खरीदने और ना बेचने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक सप्ताह पहले ही जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।